वैली आयरन फैक्ट्री के बाहर 24 दिन से हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने आज निकाली शव यात्रा। 20 दिन के धरने के बाद 4 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है 3 पंचायतों के लोग। प्रदेश की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज में शामिल वैली आयरन का पोल्यूशन कंट्रोल न होने तक प्रशासन को आर पार की जंग जारी रखने की चेतावनी दी। ग्रामीणों के अनुसार फैक्ट्री में फ्यूल की जगह पुराने टायर व फोम के गद्दे जैसी चीजें जलाए जाने के बाद गाँव में भी बिना मास्क के नहीं घूम पा रहे लोग। प्रोटेस्ट को लीड कर रहे आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम व पंचायत उप प्रधान रजनीश आदि ने ऊंची पहुंच वाले इंडस्ट्रीज से मिली भगत करने वाले अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग की। नाथूराम के प्रयासों से सामने आ चुका है 5,000 के करीब बताए जा रहे फैक्ट्री वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स और लेबर एक्ट की वॉयलेशन का वीडियो। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पहुंचे SDM पौंटा ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यहां अत्यधिक प्रदूषण की बात नकारी। फैक्ट्री की मेन चिमनी के बजाय धुआं अन्य हिस्सों से डाइवर्ट किए जाने के चलते पॉल्यूशन के पैरामीटर पर सही बताई जा रही है कंपनी। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की शव यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने सरकार प्रशासन व इंडस्ट्री के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। सिरमौर जिला के पौटा इंडस्ट्रियल एरिया में धौला कुआं के समीप मौजूद वैली आयरन स्टील इंडस्ट्री के बाहर आसपास की 3 पंचायतों के लोगों के धरने को जहां 24 दिन हो चुके हैं वहीं आमरण अनशन को 4 दिन बीत चुके हैं। प्रदर्शन को लीड कर रहे आप नेता नाथूराम, पंचायत उप प्रधान रजनीश, सरोज भीमराज, श्याम सिंह, मनजीत कौर, कृष्णा राज, बाला सुल्तान व केवल सिंह आदि पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि दरअसल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथा प्रशासन के कुछ अधिकारी ऊंची पहुंच वाले दिल्ली के इस इंडस्ट्री के मालिक से मिले हुए हैं, जिसके चलते यहां खुलेआम पॉल्यूशन संबंधी नियमों के अलावा इंडस्ट्री एक्ट व लेबर एक्ट की भी वॉयलेशन हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि जब तक यहां पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया जाता वह हंगर स्ट्राइक टिल डेथ जारी रखेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ग्रामीणों ने कहा कि पोल्यूशन से एक तरफ जहां उनके खेतों की फसलें व घास जहरीली हो चुकी है, वहीं कुछ जगह पानी भी काला पड़ चुका है और काफी लोग TB, दमा, स्किन डिजीज, कैंसर व सांस की बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा कि साथ लगती रामपुर, बारापुर, परदूनी व धोला कुआं पंचायत में फैक्ट्री के धुएं की समस्या ने विकराल रूप तब से लिया जब से यहां लोहा पिघलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की जगह पुराने टायर व फोम के गद्दे जैसी कबाड़ के दामों पर मिलने वाली चीजें जलाई जाने लगी है। ग्रामीणों की माने तो सबसे ज्यादा जहरीला धुआं टायर की काली तारों से निकलता है और फैक्ट्री की मेन चिमनी ऐसी जगह लगी है जहां धुआं निकलता ही नहीं। ग्रामीणों ने आज चिमनी व भट्टी से काफी दूर फैक्ट्री के एक शेड से निकल रहे काले धुएं के गुब्बार का वीडियो जारी करते हुए कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उपकरण व कैमरे केवल उस चिमनी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहाँ कभी कभार केवल दिखाने के लिए धुआं छोड़ा जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि बड़े बड़े नेताओं व अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में रखने वाले वैली आयरन इंडस्ट्री को चलाने वाले पूंजीपति के खिलाफ उनकी शिकायतों व प्रदर्शन की सुनवाई जिला सिरमौर व पौटा प्रशासन के साथ साथ इसी जिला से संबंध रखने वाले हिमाचल सरकार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से मिलने पहुंचे SDM ने उनकी बात सुनने के बाद यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रशासन केवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दी जा रही रिपोर्ट को ही सही मानता है और इसके अलावा कार्यवाही के लिए उनके पास अन्य कोई विकल्प अथवा ऑप्शन नहीं है। SDM की मौजूदगी में भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर चुके ग्रामीणों आज एक बार फिर प्रदूषण को न रोकने के जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की मांग दोहराई। सिरमौर से ही संबंध रखने वाले आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम ने उन्हें बाहरी व्यक्ति कहे जाने के लिए SDM पौंडा पर भी तीखे तंज कसे और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिली भगत के भी आरोप लगाए। गौरतलब है कि इस हड़ताल के दौरान नाथूराम व स्थानीय ग्रामीणों के प्रयासों से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के कोयले की खदानों से भी बदतर हालात जैसे वीडियो सामने आ चुके हैं और बातचीत के मुताबिक यहां कार्यरत 5,000 के करीब फैक्ट्री वर्कर्स को मास्क और सेफ्टी किट भी नहीं दी जाती। मजदूरों के अनुसार लोहा बनाने की इस फैक्ट्री में एक बार एंटर होने वाले वर्कर 36 घंटे बाद बाहर निकलते हैं और अगर उन्हें सुविधाएं मिले तो अच्छा है। बहरहाल पॉल्यूशन के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों ने 24 दिन बाद भी उनकी सुनवाई न होने के लिए प्रशासन व सरकार के प्रति रोष जताते हुए आज रैली के साथ साथ शव यात्रा भी निकाली और इससे पहले SDM की मौजूदगी में भी ग्रामीण नारेबाजी कर चुके हैं। बोलेंगे तो डर लगता है, गुरु का पूर्ति। सच में मैं जिन लोगों से चर्चा करता हूँ वो लोग बोलते हैं कि वहाँ कितने व्यक्ति अब तक मरे, सच में ऐसे बोलते हैं लोग। तो मैंने कहा ज्यादा मौतें भी तो लोग बोलते हैं कि फिर जिंदा कैसे हैं वहाँ लोग। इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मैं ये बोलता हूँ उनकी इम्यूनिटी ठीक, इम्यूनिटी स्ट्रांग, इसलिए वो उड़ीसा में चक्रवात है, वहाँ पर 6 महीने सेवा दी उन्होंने। उसके उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने तो मुझे नहीं कहा मैं बाहर ही हूँ। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने मुझे नहीं कहा था मैं बाहर ही हूँ। उत्तराखंड में चमोली में अभी जो पिछले जो बात वहाँ ज्वालामुखी फटा था वहाँ के मुख्यमंत्री ने मुझे नहीं कहा था मैं बाहर ही हूँ। छोटा सा अधिकार मुझे कैसे कह सकता मैं बाहर ही हूँ? साबित करे हो मैं पाकिस्तानी हूँ क्या?
शर्म आनी चाहिए। उनका काम मैं कह रहा हूँ, थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और हम खेत में काम करते हैं, सुबह शाम हाथ पैर काले हैं, बहुत बुरा हाल है, हमारी फसलें भी खराब और नस्लें भी खराब है, और हम इतने परेशान हैं भैया, अब हमारी मत पूछो। एसडीएम भी आए और इन्होंने भी हमारे को मिट्टी गोल दी और जाके चले गए। आगे क्या करने वाले आप लोग? आगे तो हम ऐसे करते हैं भाई, जब तक ये काला धुआं बंद नहीं होएगा, प्रदूषण हमारा बंद नहीं होएगा। सर लोगों के पाँव काले हो रहे हैं, और जैसे ही हम अपनी फसल काटते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी कोयले की खान में काम कर रहे हैं, इतने काले हम हो जाते हैं। लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, जैसे कैंसर, टीबी, दमा, ऐसी सी बीमारियों से हमारे लोग ग्रस्त हो रहे हैं। और ये तो अगर ऐसे ही 2-4 साल और चल गया तो हमारी फसल और नस्लें बर्बाद कर देगा ये। ऐसा मटीरियल यूज कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं चलाया जाता। जब इनसे ये बातचीत की जाती है कि आप ये काली तार और ये गद्दा बंद करो, तो ये लोग हम 2-3 महीने में बंद कर देंगे, पर हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इन्होंने हमारा पानी जहरीला कर दिया, हवा जहरीली कर दी। जल्द से जल्द इस कंपनी प्रबंधक और इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ पर हम 3 पंचायतों के लोग इकट्ठे हुए हैं। हम पिछले 20 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन यहाँ पर नहीं आया, जो कि उनकी ड्यूटी बनती थी, उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो यहाँ पर आए, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आया। बहुत बार हम SDM, DC सबसे मिल चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे को आश्वास नहीं मिला है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन कल हमारे बीच SDM साहब आए थे और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आप सोमवार, आज धरना प्रदर्शन तोड़ दो, आपको सोमवार को लिखकर मिल जाएगा। हमने कहा जब तक हमारे को लिखकर नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन नहीं तोड़ेंगे। हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम सब पीड़ित हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम बेले हैं, हमें भी अपने घर में काम है, हम बच्चे पशु छोड़ के दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जीवन दांव पे लगा है, क्या महोत्सव इस बात का मनाया जा रहा है? क्या महोत्सव इस बात का मनाया जा रहा है कि यहाँ पर नस्लें और फसलें दोनों बर्बाद हो रही है? महोत्सव इस बात का मनाया जा रहा है? क्या महोत्सव इस बात का मनाया जा रहा है कि यहाँ पर हवा में सांस नहीं ले सकते, पानी पी नहीं सकते, जमीन काली हो गई है, जमीन बंजर हो गई है? क्या महोत्सव इस बात का मनाया जा रहा है? शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। ऐसे मैं अधिकारी नहीं कहता, उन्हें दलाल कहता हूँ, और ऐसे दलालों को हमारी चेतावनी है। ऐसे दलालों को जब तक सरकार ने सस्पेंड नहीं किया, जो इस फैक्ट्री से संबंधित अधिकारी है, तब तक भूख हड़ताल जिसे कहते हैं या आमरण अनशन कहते हैं, सब लोगों का चालू रहेगा। एक बात उनके आगे रखते हैं कि तुम इसको धुएं को बंद करवाना, लेकिन जब वो वोट ले लेती है, सब काम हो जाता है, तो फिर वैसे हाथ मन ऐसे ही लाते हैं, हाथ बोलते नहीं। नहीं 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 ऐसे कोई नहीं, गोले यहाँ नहीं रहते हैं, उधर रहते हैं। अरे यहाँ मजा जो तो देखो, आने देखो आप, ये इंसान है, आदमी है, देखिए इनकी कलर, आप देखिए सुबह हर आदमी नहा के जाता होगा, बस देखिए आप इनके अंदर कितना जा रहे हो बेचारे होके जी, ये तो ऐसे मर जाएंगे, इनके तो फेफड़ों के अंदर कितना हुआ देखिए आप। ये इंसानियत के नाम पे कलंक, ये जो फैक्ट्री में सब चला हुआ है, क्या नाम आपका? मीका प्रसाद, आपको तो बता दो, ऐसे पहचान नहीं जाएंगे, पहले भी नहीं शक्ल, आप घर वाले भी शादी नहीं पहचान लेते हैं घर वाले। आपका नाम? राजकुमार। कहाँ से? लखनऊ से। आप? उन्नाव से। यूपी से हैं आप? आयरन में, तो आयरन इंडस्ट्री में काम करते हैं हिमाचल में, इसी में आयरन, आयरन वैली में नाम है इसका। आपका नाम? आपने ठीक किया, दाढ़ी रख ली तो काले, तो ऐसी भी कम से कम इतना तो रहेगा ठीक। हाल देखिए आप, देखिए लोग इंसान है आखिरकार, यारे क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें पैसे कमाने के लिए क्या मार देना है? सेफ्टी होनी चाहिए कोई ना कोई। मास्क मिलता आप लोग कुछ? मास्क वगैरह कुछ नहीं मिलता, और इससे के एक नहीं, लगभग कितने अंदर अंदर कितने लोग काम करते हैं? 5,000। हमारे डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं। 5,000 लोग अंदर काम करते हैं, टोटल 5,000 लोग काम करते हैं। आप देखिए, हम इन लोगों को देखिए,
शक्ल देखी इन लोगों की, शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए इंडस्ट्री वालों को, और शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो ऐसे इंडस्ट्री वालों के पक्ष में बात करते हैं। मैं और आप, अगर हम एक पानी है जो काला दिख रहा है, मैं और आप बोलेंगे गंदा है, हो सकता है वो पानी ठीक। अब पोल्यूशन डिपार्टमेंट की रिपोर्टें सुनो, 18 में भी ले ली, अब भी ले ली, वो कह रहे ये हानिकारक नहीं है। अब मैं बताओ, मैं किस रिपोर्ट पे बिलीव करूं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पर अभी तक शासन प्रशासन ने हमारी इस प्रदूषण की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। मैं शासन प्रशासन और खासकर प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सोए हुए हैं? क्या उनको दिखता नहीं है कि हमारे लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं? और मैं पोल्यूशन विभाग को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब तक वो इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करते, तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।